मॉर्निंग गाइस, इट्स अ ग्रेट डे, इट्स अ ब्यूटीफुल डे इन देहरादून, संडे। एंड गाइस, अभी हम जा रहे हैं एक राइड पे लौंडे लोगों के साथ, तो चलिए ले चलते हैं आपको घंटाघर। घंटाघर से जाएंगे क्लाउड एंड घंटाघर। अपना रमन भाई जो है ना, वो आ गया है, तो अब निकलते हैं आगे। गाइस, फ्यूल डाल लेते हैं भाई। सीन ये है, पेट्रोल के पैसे पे कर दिए और पेट्रोल पंप वाले बोल रहे हैं कि उनके पास आया नहीं पेमेंट, उन्होंने पूरा रिसिप्ट निकाल दिया। लेकिन यहाँ से मैंने बैंक में भी चेक कर लिया, पेमेंट डिडक्ट हो गई है। तो यहाँ पर टाइम लग रहा है यार, बिना बात के। मतलब इतना बड़ा पेट्रोल स्टेशन है देहरादून का, और यहाँ पर इनको मतलब इनके ट्रांजेक्शन का ही नहीं पता कहाँ जाती है यार। सिटी में ट्रैफिक बहुत ज्यादा रहता है संडे को। सारी रोड्स एक तरफ और राजपुर रोड एक तरफ, मजा ही कुछ हो रहा था राजपुर रोड में बाइक चलाने का एकदम। लेंचिनो वाज़ अ बाइक जो मैं एक बार ही सोच रहा था, जब इसकी एडवेंचर की वेटिंग चल रही थी तो मैं सोच रहा था कि लेंचिनो ले लूँ। ये रही अपनी लेंचिनो, ये मैं सोच रहा था कि एक बार ही ले लूँ, मतलब बेंटली की 500 cc में है। साउंड देखो गाइस, साउंड तो बढ़िया है, साउंड में कोई डाउट नहीं है। रमन भाई ऑन फायर। भंडारी तेरी है महिमा न्यारी। सो गाइस, हम पहुंच चुके हैं शिव मंदिर, एंड दिस विल बी द माय फर्स्ट राइड टू क्लाउड एंड, one of that kind, and boys are on fire with Lenchino and what that bike is, Dominar. Both of them are on fire. That's the Mussoorie guys. ये हाथी पांव वाली रोड है गाइस, तो अभी हाथी पांव वाली रोड से आगे बढ़ेंगे क्लाउडेंट की तरफ। See that view guys, मजा आ जाता। पीछे जो मसूरी का व्यू था, I'm gonna show you that. A new era of riding. See guys, ये जगह क्या मस्त है भाई, मस्त जगह है टेल राइडिंग के लिए, तब का जगह की जगह है। कर तो ये ऑफ रोड है, ऊपर से भयंकर चढ़ाई है, भयंकर। थोड़ी सी ऑफ रोडिंग स्टार्ट कर दी हमने अभी, यहाँ से अच्छा लग रहा है रोड तो। और हमने रमन भाई जो है ना, फुल मजे लेते हो ऑफ रोडिंग का। इंस्टा 360 लगा रखा भाई ने पीछे, तो हमारी वीडियो बन रही है। ये क्या रोड है भयंकर भाई, मजा आ गया भयंकर। ढलान में एकदम और भयंकर वाला सीन बाबा, एकदम मजेदार। इसे बोलते ना ऑफ रोड, वो कर लिया भाई आज संडे कंप्लीटली, मजा आ गया। और हमारे लेंचिनो वाले भैया आ रहे हैं पीछे को, मजेदार। शिट शिट शिट, वही फट गई थी, क्लच लॉक हो गया था अपना, और क्लच लॉक हो गया था तो गाड़ी आगे बढ़े कैसे, पूरा ही क्लच लॉक हो गया था भयंकर। ओ भाई ओ भाई ओ भाई भाई, ये खत्म होने का नाम नहीं ले रहे रास्ता। एक्सट्रीम ऑफ रोड, हा
change the mode, guys. Riding mode and off road. कहाँ लेके जा रहे हो भाई? अभी हाँ, भद्राज जो टेम्पल है उसके जस्ट पास में, और व्यू अभी थोड़ा सा जो फॉगी और थोड़ा वैसा वेदर हो रहा है, अदरवाइज यहाँ से जो व्यू आता है ना वो रिमार्केबल होता है, और अभी भी काफी अच्छा लग रहा है। ये अपनी धन्ना खड़ी, ये अपनी लेंचिनो, और ये अपनी डोमिनार खड़ी है। तो 360 को थोड़ा ऑफ करते हैं, ऑफ रोड शूट ले रहे हैं। Finally, we are at Bhadraj temple, और यहाँ पर है पार्किंग। This would be the last place where we can take the bikes. इसके बाद guys बाइक ले जा नहीं सकते ऊपर, उन्होंने पैनल्स लगा रखे हैं वहाँ पे, रोड्स लगा रखे हैं। तो यार भाई ने गाड़ी करा दी थी। किस साइड करी? उस साइड, इस साइड। So guys अभी गाड़ी करी है नीचे पार्क, और अपन भाई लोग कर रहे हैं ट्रैक towards the temple. भद्राज टेम्पल, और ऑलमोस्ट है भाई, सांस फुला गए। पहले हमने बाइक की सांसें फुला गई, और अब खुद की फुला रहे हैं। तो संडे मजा आ गया कि भाई बहुत बढ़िया वाला भद्राज टेम्पल जस्ट हमारे पीछे है। सो लेट्स चेक इट आउट। सो गाइस फाइनली मैं पहुंच गया भद्राज टेम्पल, और यहाँ की वाइब्स ना दुनिया की सारी वाइब्स अलग है, और हर एक टेम्पल की वाइब्स अलग होती हैं दोस्तों। यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ नज़ारे कुछ ऐसे। ये देखो, दिस इज द भद्राज टेम्पल। पीछे मेरे और भाई लोग हैं, बाइक हमने नीचे खड़ी करी है। यहाँ से पहले मैं आपको ना नीचे के नज़ारे दिखाता हूँ, और उसके बाद जो है ना मंदिर दिखाता हूँ अच्छे से। तो गाइस कैमरा घुमा लेते हैं थोड़ा सा। ये देखिए, सो गाइस फाइनली भद्राज टेम्पल पहुंच गए, और ये है भद्राज टेम्पल, और यहाँ पर अलाउड है कि आप अंदर फोटो ले सकते हैं। पंडित जी कुछ बताएंगे टेम्पल के बारे में, हमें कुछ पता है नहीं। जी जी, हमारे ऑडियंस को भी थोड़ा बता दीजिए। ये है बलभद्र बलराम जी का मंदिर है। ओके, और ये आप रूपी मूर्ति है इसमें जी। और ये शेषनाग रूपी है। ओके, और इधर है ये ध्यान, अपने ध्यान में बैठे हुए वो। Okay. तीनों साधना रूप, तीनों साधना, साधना रूप में हाँ। तो सबसे पहले क्या हुआ कि यमुना के किनारे कोई तुरड़ खोद रहा था। अच्छा। तो तुरड़ खोदते खोदते क्या होता है, एक फल होता है। अच्छा। जो जमीन के अंदर होता है, आलू जैसा होता है। अच्छा, तो उसे शिवरात्रि पे खोदते हैं लोग। अच्छा, हाँ हाँ। तो वो खोद रहा था, तो वहां से एक आवाज आती है कि मुझे निकालो। तो वहाँ वो आदमी पहले डर जाता है, फिर सोचता है कि चलो निकाल देता हूँ क्या है। खोदता है, खोदने के बाद वो क्या करता है कि उसको निकालता है। तो उसमें एक आदमी के रूप में एक मूर्ति आती है। वो कहती है कि आप मेरे को इस दिशा में ले जाओ, पूरब की दिशा में, जो सबसे हाइट पे आस्था। तो वो लेके आते हैं उनको, फिर रास्ते में उनको प्यास लगती है। तो प्यास लगती है उस आदमी को जो उठा के लाता है। तो उसके बाद वो क्या करते हैं कि यार मेरे को सर प्यास लगी हुई है, मतलब भगवान जी को बोलते हैं कि भाई साहब मुझे तो प्यास लगी हुई है, मैं क्या करूं। उसने कहा यहाँ पे जाओ, मटोकी गांव में रुके थे वो, तो वहाँ पे पानी उपलब्ध हो गया एकदम, और पानी पिया उन्होंने। आगे जैसे वो यहाँ सबसे हाइट पे पहुँचे, तो उन्होंने क्या किया कि यहाँ पे ये बोला कि चलो मेरे को यहाँ छोड़ दो, और भारी हो गए। और उन्होंने उनको बोला कि तुम्हें बताओ क्या चाहिए। तो उन्होंने क्या किया कि सर मेरे पास गाय नहीं है कि जाओ तुम्हारे पास। उसके बाद 50 गाय पीछे से लग गई, 40-50 गाय, और उसके घर गई।
रात को पहुंचाऊं घर पे, तो उसके चारों तरफ, घर के चारों तरफ गाय बैठ गई। तो उसकी वाइफ बोल रही, तुम सुबह से गायब थे, तुरंत खोदने गए थे और अभी तक नहीं आए, और ये किसकी गायें लाए? कह रहे, उसने स्टोरी बताई। फिर उसके बाद क्या हुआ कि वो उस टाइम तो खुश हो गई, जब सुबह देखा कि सारे में गोबर भी होना ही था जब गाय होगी, कह ना इसे, इन्हें वापस करके आओ, हम दो गाय रखेंगे बस। तो उसके बाद वो वापस ले आए। तो भगवान जी को इन्होंने कहा, ये गाय मुझे नहीं चाहिए, मैं इतनी ये सारी आप रख लो, मैंने दो रख ली हैं। तो प्रभु को थोड़ा सा क्रोध आया, उन्होंने कहा, यार मेरे कारण तेरी भी पूजा होगी, और उनको पत्थर बना दिया है इधर, ये मेहरा नंदू मेहरा। अच्छा। तो उनको पत्थर बना दिया, तो वो उसके बाद उनकी भी पूजा होती है। अच्छा, तो ये नंदू मेहरा जी, उनकी भी पूजा होती है। अच्छा, तो ये कहानी है मंदिर के पीछे। धन्यवाद पंडित जी, ये शॉर्टकट में। अच्छा हाँ, मतलब शॉर्ट नहीं चाहिए था मुझे। धन्यवाद। तो गाइस, ये स्टोरी थी हमारे भद्रराज टेंपल की, और फाइनली आज हम भद्रराज टेंपल आए, और यहाँ पर सच में ये मंदिर जो है ना बहुत हाइट पे है, मतलब काफ़ी अच्छी खासी हाइट पे है, और काफ़ी टेल और एडवेंचरस राइड है। तो राइड तो आपने देखी ली होगी, तो इन्जॉय किया होगा आपने इस मेरे वीडियो को, आई होप। सो बने रहिए मेरे साथ आप, और सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल प्रोफेसर एक्सप्लोरर को, ऐसी वीडियोज आपको मिलती रहेंगी। गाइस, सीन ये हुआ है, भैया का साइलेंसर लग गया नीचे, भी निकल गया था और मैंने हाथ भी चला लिया। देखो, तो बेनेली के मैनेजर को हम उठा के लाए थे बेनेली राइड पे, नहीं नहीं तो ये वापस लगा दिया हमने साइलेंसर, और देखते हैं कि अभी ये यहाँ से आता है कि नहीं आता है। पूरा लगा तो दिया है, बट ये कस्टम जो बनवाया है थोड़ा सा, थोड़ा नीचे है ना। हाँ, नीचे बनवा दिया, पुराना वाला नहीं था वो, इतना नीचे है ना, जो ओरिजिनल का था इसका स्टॉक। 170 से 160 हो गया क्रम क्लियरेंस, और कम कर लिया। हाँ, आ गया। ये भी टाइट करना पड़ेगा आई गेस। आ गया, ये वाला भी टाइट कर देंगे। तो पहले जब भी आप ऐसे ढलान और चढ़ाई पे उतरे, उसमें पहले एक गैप बना के रखें दोनों गाड़ियों के बीच में, ताकि क्विक कंट्रोल के लिए आप एग्जस्ट कर सकें। सडन एक्सलेटर और सडन ब्रेक्स के लिए काफ़ी इजी रहता है, चढ़ने के लिए थोड़ा टफ था क्योंकि हाई एक्सलेशन में हमें देखना होता है। तो यहाँ पर एक क्विक स्नैक्स मैं लेने जा रहा हूँ, देखता हूँ मुझे क्या मिलता है क्विक में। यार, एक बार हमने लास्ट मंथ करी स्नो राइड, और हमने फैब में कर ली कंप्लीट ऑफ राइड। तो यार भद्रराज जो टेंपल का रूट है, दैट इज देहरादून इन देहरादून, और वो वन एंड ओनली रूट ऑफ देहरादून विच यू कैन फाइंड, इन विच यू कैन फाइंड ऑन रोड, ऑफ रोड एंड हाई ऑफ रोड टेल्स, एंड दीज टेल्स आर रिमार्केबल। मतलब मजा आ गया भाई, आज सारा पैसा वसूल हो गया। तो अब यहाँ से हमें निकलना है नीचे, तो जहाँ से शॉट पड़ेगा वहीं से हम निकलेंगे देहरादून सिटी की तरफ। और नेटवर्क रेंज यहाँ पर है नहीं, तो माइट भी घर वाले कोशिश कर रहे होंगे रीच करने की। यहाँ से मैं न्यूट्रल में आऊँगा, रीजन बीइंग तेल वो चाहना भाई, तुम्हारा भाई गरीब है, और इसके अलावा तो कोई और बड़ा रीज़न है नहीं। हाँ, थोड़ी सी न्यूट्रल में कंट्रोलिंग उतनी इजी नहीं होती है, पर ठीक है, अपन कर लेगा। ऑफ रोड। ओहो, क्या लगता है दोस्तों, भाई को कितने नंबर दोगे 10 में से? मेरी तरफ से 10 में से 10 भाई को, कंप्लीट ऑफ रोडिंग भाई के नाम। ओ हो, कर मसूरी सनसेट टाइम, रिमार्केबल व्यू। मसूरी, ये लाल चौक है, ये है माल रोड। माल किधर है भैया? यो है मसूरी की माल रोड, और सुबह से घूम रहा है यहाँ पर, लेकिन भाई माल तो नहीं दिख रहा, ये बहन का लड़ा चूतिया बना रहा है भयंकर। माल तो एक भी ना दिख रहा भाई, कहाँ है माल? क्या माल रोड का है, लिखो यहाँ
और ऊपर से महंगा 150 रुपए अलग चार्ज ले रहे हुए एंट्री का। फर्स्ट टाइम जेपी रेजिडेंसी जो मैंने देखी है, अपने भाई लोग जा रहे हैं एंड ये है जेपी 5-स्टार होटल इन मसूरी। गाइस आप बताइए कौन सी बाइक की पावर आपको सही लगती है, लैंचिनो, केटीएम एडवेंचर 390 एंड डोमिनार 400। और चलाने में सबसे सही बाइक कौन सी है अकॉर्डिंग टू द यू नो ऑफ रोड सिनेरियो? लैंचिनो इज आउट एंड ऑफ कंप्लीट ऑफ रोड, बट इन मिड रेंज यू कैन डू इट। भाई साहब, भाई ने मेरी बाइक पेल रखी है एकदम मस्त। लैंचिनो का साउंड ना, ओ अभी के बाबा, लैंचिनो का साउंड जो है ना वो अलग है बाबा, मां कसम से यार भाई मजा आ गया। ओ ओ टाइम टू रीच होम।